हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परियार और मैं डील कर रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जेम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने मैटर इन आर सराउंडिंग्स के 3 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो कि क्विक रिविजन था। आज के लेक्चर में हम एग्जेम्पलर के एमसीक्यूज को डील करने वाले हैं। एमसीक्यूज में बेसिकली आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें ऑप्शंस दिए होंगे और आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, जो कि इतने टाइम से वो पैटर्न आपके साथ चल ही रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तो हमें उसकी आदत हो चुकी है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। और खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इनमें से कौन सा फिनोमेना ऐसा होगा जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे खुद भी इंक्रीज होगा। सबसे पहले डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब इंटरमिक्सिंग, या एक और डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहां डिफ्यूजन का ये जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना मतलब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो पार्टिकल्स को। जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे वो एक्साइट हो जाएंगे और तेजी से मूव करने लगेंगे। जितना तेजी से वो मूव करेंगे उतना जल्दी उनका इंटरमिक्सिंग होगा। सो डिफ्यूजन बिल्कुल सही है इसमें, कि वो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे बिल्कुल इंक्रीज होता है। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो कोई भी चीज जो है वो इवेपोरेट जल्दी होगी, वो जल्दी कन्वर्ट होगी वेपर्स में। ओके, कंप्रेशन ऑफ गैस, गैसेस का कंप्रेशन मतलब गैसेस को दबाना। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे आप गैसेस को दबा नहीं सकते, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कैसे रोकोगे आप उनको मूव करने से? तो ये पार्ट गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इवेपोरेशन सही है, फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस गलत है। सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, कि अगर आप पानी में किसी शक्कर को घोलना चाहते हो तो आप ज्यादा शक्कर घोल सकते हो, लिमिट से भी ज्यादा शक्कर घोल सकते हो, अगर आप पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, हीट करते जाओ उसे। ओके, नेक्स्ट इज सी, इवेपोरेशन सही है, डिफ्यूजन सही है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बिल्कुल सही। अगर आप गैसेस को हीट करते हो तो गैसेस एक्सपैंड होती हैं। अगर आप गैसेस को हीट करते हो तो गैसेस एक्सपैंड होती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हमें वैसे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर मिल चुका है, फिर भी आगे एक बार चेक कर लेते हैं। इवेपोरेशन बढ़ता है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है, डिफ्यूजन बढ़ता है, पर कंप्रेशन नहीं बढ़ता। दबाना है गैस को, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे दबा पाओगे, कैसे कंप्रेस कर पाओगे? सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स शी गॉट कंफ्यूज्ड, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। सीमा जो है वो एक नेचुरल गैस को कंप्रेस करने वाली यूनिट पे गई और वहां उसने गैस को लिक्विफाई होता हुआ देखा। अब उसको अपने दोस्तों को यह बताना है कि गैस कैसे लिक्विफाई होती है, तो वो क्या बताएगी और कैसे बताएगी? सबसे पहले हम अपने नॉलेज और अपने कंसेप्ट के बेसिस पे गैस को कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है ये देखते हैं। आप टेम्परेचर को कम कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो। प्रेशर को हमने हाई कर दिया, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई, प्रेशर को हाई कर दिया, टेम्परेचर को लो कर दिया, ऐसे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये देखो हमारी कंडीशन से सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये बाकी ए बी और डी गलत है, सी सही है। चलिए मैच करते हैं आंसर को। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड्स के लिए खास तौर पे होती है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए देखते हैं।
ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, नहीं अकेले गैसेस नहीं, हमने पढ़ा है कोई एक रिवीजन में कि गैसेस और लिक्विड्स दोनों फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, तो ये हो गया हमारा गलत। गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, अब भाई सॉलिड्स नहीं करते, गैसेस तो चलो फ्लो करती हैं, बट सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, ये गलत हो गया। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो दोनों फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों फ्लो कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, इस पे हम टिक लगा देते हैं। और लास्ट है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, बिल्कुल गलत, लिक्विड्स ही नहीं गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं, हमने पढ़ा है। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ, समर्स के टाइम पे जो वाटर हमने अर्दन पॉट मतलब मटके में जो वाटर रखा हुआ है वो ठंडा हो जाता है किसके फिनोमिना के कारण, क्या वहां डिफ्यूजन हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल भी नहीं। क्या वहां ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझते हो, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये एक प्लांट है, इसके लीव्स में से अगर वाटर का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि लीव्स के लोअर साइड पे स्टोमेटा होता है, अगर लोअर साइड पे स्टोमेटा है तो वहां से वाटर वेपर्स का लॉस होगा, तो वो वाटर वेपर्स के लॉस को ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोली जाती है। ओके, और एक चीज और, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन के कारण ही प्लांट्स इतनी तेज गर्मी झेल पाते हैं। क्यों झेल पाते हैं, क्योंकि अगर वो धूप में खड़े हुए हैं बाहर प्लांट्स, और वो भी स्टिल खड़े हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और इवेपोरेशन से ठंडक होती है, हमने पढ़ा है। तो जितना पानी इवेपोरेट होता है प्लांट उतना ठंडा रहता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स प्लांट टू कीप इटसेल्फ कूल, ओके, ड्यूरिंग समर्स। तो ये भी गलत हो गया भाई, ट्रांसपिरेशन थोड़ी ना मटके में होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, ये आपने चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में पढ़ा हुआ होगा। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है बीच में, उसमें से उस मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जहां ज्यादा है वहां से पानी कम की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे वाटर ज्यादा है, यहां वाटर कम है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम ए टू बी, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और यहां सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा है कि किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन होता है। ओके, सो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई समर्स के टाइम पे इवेपोरेशन होता है जिसके कारण मटका सही रहता है, ठंडा रहता है। ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर शुड बी डी, यस इट इज डी। नेक्स्ट, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। कुछ सब्सटेंसेस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंज किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है यहां वाटर, उसके बाद एयर दिया है, यहीं पे ये गलत हो गया, क्योंकि पानी का कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकता है एयर से, क्योंकि उन्होंने बोला है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले कम वाला होगा, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे और ज्यादा वाला, पानी से कम एयर नहीं होती, एयर सबसे कम होनी चाहिए, एयर शुगर ऑयल। अब एयर तो ठीक है, चलिए गैशियस है, शुगर जो है वो सॉलिड है, ऑयल जो है वो लिक्विड है, होना कैसे चाहिए, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस का सबसे कम, फिर उससे ज्यादा लिक्विड, फिर उससे ज्यादा सॉलिड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन वाटर और शुगर, ऑक्सीजन है गैस, वाटर है लिक्विड, शुगर है सॉलिड, गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट डी, सॉल्ट जूस एंड एयर, सबसे पहले नमक, फिर उसके बाद जूस, और फिर उसके बाद एयर। ओके, सो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन कन्वर्टिंग
25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be, हमने इनको है ना Kelvin scale में convert करना है और हमें ये देखना है इनमें से कौन सा temperature है सही दिया हुआ है. चलो पहले convert कर लेते हैं Kelvin scale में. 273 में 25 add करो, आपको बताया है ना Celsius में Kelvin convert करना है अगर, तो आप ये इस amount में जो यहां दिया हुआ है इस amount में आप 273 को add कर दो. चलो 25 को add करो, 5678789, 298 Kelvin. सबसे पहला 298 Kelvin, फिर दूसरा 38, 8, 9, 10, 11, 7, 10, 11 and 3, 311 Kelvin, second वाले का. और थर्ड वाला 66 ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 13 और ये हो गया 3, तो 339 केल्विन. अब देखो 298 पहला ये है, फिर दूसरा है 311, ये भी सही है, ये भी सही है और 339, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. देखिए ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए. चलिए आंसर चेक करते हैं. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. चलिए देखते हैं. ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड का वेपर में कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना जिसमें वो लिक्विड स्टेट में आ ही नहीं रहा है, उसे सब्लिमेशन बोलते हैं. बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा हुआ है. सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस without getting converted into liquid state. आगे, conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called vaporization. गलत, vapor से solid बनना, इस process को vaporization नहीं, इसको deposition बोलते हैं, हमने पढ़ा है. okay, फिर conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called freezing. vapor से solid बनना deposition होता है और freezing का मतलब होता है liquid से solid बनना, है ना. ये ऑप्शन भी गलत हो गया. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, सब्लिमेशन नहीं. ओके, सो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है. यस, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइइथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल. चलिए देखते हैं. 35 दिया है, 56 दिया है और 118 दिया है. इन सभी को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से एड कर दीजिए, इसमें 273 ऐड कर दीजिए. चलिए देखते हैं. 5678789 10 और कैरी गया 1 308 केल्विन. यहां नेक्स्ट 6789 7 8 9 10 11 12 और 1 329 केल्विन. इसमें हो जाएगा हमारा 8 9 10 11 7 8 9 और 2 3 391 केल्विन. ओके, चलिए देखते हैं. 308 यहां है, 308 फिर नेक्स्ट है 329, ये है 329 और उसके बाद है 311. अब ये कहां पर है, नहीं 391. सो 391 हमारा ये वाला है क्योंकि ये दोनों मैच सही कर रहे थे. 308 309 329, आखिरी वाला 391 पे मैच हो गया. ये यहां पे 392 गलत हो गया. ओके, सो हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट है ना. 308 ये, 329 वो, 391 थर्ड वाला. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. इनमें से कौन सी कंडीशन वाटर के इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगी. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, बिल्कुल सही. अगर आप पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है आपका इवेपोरेशन बढ़ना ही है. डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर को कम करने से वाटर का क्या इवेपोरेशन कम होता है. बिल्कुल नहीं, ये गलत है. हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन में कि टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन बढ़ता है. लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, नहीं, मोर एक्सपोज्ड. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा. तो कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन कम होता है ना कि ज्यादा होता है. एंड लास्ट, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर. नमक ऐड करना या कोई भी सॉल्यूट अगर आप ऐड कर रहे हो वाटर में तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट जो हमारा सॉल्यूट है वो एरिया घेर लेता है ऊपर का,
जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे देखिए, ये अगर हमारा एक बीकर है और अगर हमने इसमें कोई सॉल्वेंट डाला हुआ है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट होंगे, है ना। और यहां जहां पे सॉल्यूट नहीं है वहां बची हुई जगह पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पूरा सरफेस सॉल्यूट से घिरा हुआ है, सॉल्वेंट से घिरा हुआ नहीं है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। इसी कारण इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाता है अगर नमक या शक्कर या कोई दूसरा सॉल्यूट डाल दो, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी जगह घेर लेते हैं सरफेस की, और सॉल्यूट नहीं उड़ता, नमक शक्कर इवेपोरेट नहीं होती, वो वहीं रह जाती है। ये गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा ए। चलिए चेक करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। इनमें से कौन सी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए सबसे पहला, इंक्रीजिंग प्रेशर और हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर हाइड्रोजन एक कंटेनर में रखी है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने से डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल्स तो और पास पास आ जाएंगे तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। मगर मुझे चाहिए कौन सी कंडीशन जिसमें डिस्टेंस बढ़ रहा हो। तो ये गलत। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। अगर कंटेनर में से कुछ हाइड्रोजन गैस लीक होके निकल जाती है तो थोड़ी गैस बची होगी अंदर और उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियस चीज है, अगर एक कमरे में 20 लोग हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर उस कमरे से 10 लोग निकल के बाहर चले जाए तो सिर्फ 10 लोग और बचेंगे, और वो जो 10 लोग बचेंगे वो और ज्यादा डिस्टेंस ले लेके बैठ जाएंगे अपने बीच में, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो यहां पे जहां कंटेनर से हाइड्रोजन लीक हो रही है वहां डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के कंटेनर का वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देना, मतलब अभी जो कंटेनर है वो इतना बड़ा है, अब जो कंटेनर है वो इतना बड़ा हो गया है, पार्टिकल्स उतने ही है। समझ लो यहां पर मैंने 7, 8, 9, 10 पार्टिकल्स रखे। अब वो 10 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो देखो डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया ना कंटेनर का, तो इसमें डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते ही डिस्टेंस और इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी सही है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हमने और हाइड्रोजन गैस एड कर दी, कंटेनर का साइज उतना का उतना रहने दिया, मतलब इतना ही साइज है और गैस और ऐड करता जा रहा हूं। देखो इससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो ये भी गलत। मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन सही है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कहां है, सी। आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज जो है एग्जाम्पलर के मैटर इन आर सराउंडिंग्स के वो होते हैं कंप्लीट। मैग्नेट ड्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स ओलंपियाड्स एनटीएससी इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के साथ। और यहां पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती है, ना कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यहां सारी चीजें 100% फ्री है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने पीयर ग्रुप यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।